हाय एम्पियंस, वेलकम टू आर उम्मीद बैच। तो हम लोग ना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2.8 2.8 भी अच्छा से कंप्लीट कर लिया और 2.6 कंटिन्यूस हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 6 7 दो वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग जो ये 8 नंबर वीडियो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों से। हमने पिछला वीडियो जो बताया था कि सूर्य तप जो होता है, इंसुलेशन जो होता है, उसमें क्या होता है हम लोग का, ठीक है। यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उससे पृथ्वी ऊष्मा ग्रहण करता है, उसके अपना तापमान में परिवर्तन लाता है। लेकिन हमने वहाँ पर आपको एक सोचने का बात बोला था कि आप ये सोचिएगा कि क्या आप संपूर्ण तापमान जो सूर्य से निकलता है, जो पृथ्वी का वायुमंडल प्रवेश करता है, वो क्या धरातल पर पहुंच पाता है, ठीक। तो आप लोगों ने बेसिकली इस पर सोचा भी था और सोचा भी होगा, अभी नहीं सोचा फिर सोचिए, ठीक है। तो यही बात का हम लोग क्वेश्चन जो आया है हम लोग के मन में, उसी को हम लोग आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे अपना, ठीक है। देखिए, तो इसको एक तरह से परिभाषित किया गया है पृथ्वी का अल्बेडो करके, ठीक है। और पृथ्वी का अल्बेडो क्या होता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं अच्छा से, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम एक जनरल बात करें आपसे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप समझिए कि पूरा वो जो भी अल्बेडो वाला कॉन्सेप्ट है पृथ्वी का, वो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आप ये हैं, आप ये हैं और आपके ये पापा हैं, ठीक है। थोड़ा सा पापा को आप हमने बड़ा बना दिया है ताकि समझ में आए, ठीक। आपके पिता ने आपको क्या किया, आपको 10 रुपये दिया, आपको क्या किया बाबू, 10 रुपये दिया। आपके पास 10 रुपये आपके पास 10 रुपये आया, लेकिन आप थे ईमानदार, आपने बोला नहीं पापा हमें ज़रूरत नहीं है 10 रुपये का। आपने क्या किया, बोला पापा आप काम कीजिए, ये 3 रुपये आप ले लीजिए, हमको 7 रुपये का ही काम है। तो पापा को आपने क्या किया, 3 रुपये लौटा दिया, 3 रुपये क्या कर दिया, लौटा दिया। यानी जिस रूप में पापा ने आपको 10 रुपये दिया था, वही रूप में लौटा दिया। तो आप देखिए ईमानदारी यहाँ से दिखाया, बस आपके पास आपने कितना लिया, अब आपने लिया 7 रुपये। समझ में आया बात क्या हो रहा है, कि आपके पिता ने आपको 10 रुपये दिया और जिस रूप में आपने, आपके पिता ने 10 रुपये दिया, कॉइन वाइन था, उसी कॉइन में से आपने उठा के 3 रुपये दे दिया, ठीक है। यानी आपने कितना रुपये लिया, 7 रुपये लिया, ठीक है। तो एल्बेडो वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, एल्बेडो वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है वो कुछ ऐसा ही है। एल्बेडो देखिए क्या होता है, ठीक, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है। अब उस पदार्थ के पास क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य ताप जो ऊष्मा होती है, छोटा छोटा तरंगों के रूप में आती है उस पदार्थ के पास। वो पदार्थ क्या करता है, उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ भाग परावर्तन करके फिर अंतरिक्ष में लौटा देता है। जो आया और लौटाया, यानी जितना प्रतिशत वो लौटा रहा है, वो जो प्रतिशत लौट के जाता है, उसको ही हम लोग उसका उस पदार्थ का अल्बेडो कहते हैं। फिर समझिए ध्यान से इस बात को, सूर्य समझ लीजिए कि ये सूर्य है, सूर्य से लघु तरंगे आई छोटी छोटी, अब किसी पदार्थ के पास आई, पदार्थ तो थोड़ा सा ऐसा कुछ बना देता कि समझ में आए आपको। अब इस पदार्थ के पास आई, इस पदार्थ से परिवर्तन होने के बाद कुछ इसमें से कुछ भाग फिर अंतरिक्ष में वापस चल जाता है। ये जो भाग वापस अंतरिक्ष में लौट के गया है, इसी का अनुपात या इसी का प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उस पदार्थ का अल्बेडो कहते हैं। देखिए अभी हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल से इसको दिखाते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। जर्नल एक आइडिया आपको अल्बेडो का पहुँच गया कि सूर्य से प्रकाश जिस रूप में, सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा जिस रूप में किसी पदार्थ के पास आता है, उसी रूप में वापस चल जाता है। तो जो जिस अनुपात में जाता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू, या अनुपात बोले या प्रतिशत बोले, उसी को उसको क्या कहते हैं, अल्बेडो कहते हैं। चलिए इसको और अच्छा से हम लोग समझते हैं, अच्छा से अप्रोच करके समझ कीजिए। जैसे हम लोग मान लिए कि ये हम लोग का सूर्य है, ये क्या बाबू हम लोग का सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से जो ताप है, छोटी छोटी लघु तरंगों के बीच में रूप में निकली, ठीक है। सपोज कीजिए कि लघु तरंगों के रूप में निकल के हम लोगों ने माना कि हमारे पास ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ, चलिए कोई बालक ही बना देते हैं, ये पदार्थ है, इस पदार्थ के पास 10 छोटी छोटी लघु तरंगे आई, कितनी आई बाबू, 10 छोटी छोटी लघु तरंगे आई, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 लघु तरंगे आई। 10 में से इसने क्या किया बाबू, कि इसको इसमें से 4 वापस अंतरिक्ष में इस पर परिवर्तन होके लौट गई। 4 क्या की, परिवर्तन के बाद अंतरिक्ष में वैसे ही लौट गई जिस रूप में आई थी, ठीक है। तो आई कितनी थी बाबू, 10, लौटी कितनी, 4। इसका जो अनुपात है कितना आ जाएगा हम लोग का, 5 और 10 आ जाएगा 2, यानी 5:2 अनुपात वाला, इसी को हम लोग अल्बेडो कहेंगे। या इसको आप प्रतिशत में दिखाना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, लौटी कितनी 4, टोटल आई कितनी थी 10, और 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकल गई, यानी कितना आ गया हम लोग का, 40% इसका जो परावर्तन हो चुका है, यानी इसका अल्बेडो कितना है, 40% है। बात समझ में आई, ये ओवरऑल हम लोग का अल्बेडो का कॉन्सेप्ट है।
अब हम लोग को इसी को पृथ्वी के लिए, पूरा होल जो हम लोग का पृथ्वी है उसके लिए हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचता है, उसमें से क्या हम लोग का क्या क्या कितना लौट के चल जाता है वापस, उस अल्बिडो को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अल्बिडो का एक जनरल आइडिया आपको पता चल गया होगा ठीक है, कि क्या होता है हम लोग का ठीक। चलिए अल्बिडो का हम लोग जनरली एक बार जनलाइज करके समझने का कोशिश करते हैं, पृथ्वी के लिए अब देखते हैं, जनरल में इसको समझ गया, पृथ्वी के लिए देखते हैं ठीक है। हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि हम लोग का पृथ्वी का हम धरातल स्वरूप लेकर के चलते उसका नहीं, ये हम लोग का पर्वत है, हालांकि पर्वत को थोड़ा छोटा ही बनाना चाहिए, ये हम लोग का पर्वत है, ये हम लोग का नॉर्मल समतल भूमि है, और ये हम लोग का तालाब वगैरह जो भी चीज़ है, और यहाँ एक हम लोग का ब्रिज बना लेते हैं ठीक है। ये जनरल हम लोग का पृथ्वी का हमने एक अप्रोच दिया है ताकि पृथ्वी का आइडिया मिल सके। अब आपको पता है कि यहाँ ऊपर में बादल उदल होंगी बहुत सारी ठीक है, अब इसके बादल में धूल कण होती है बहुत सारा, और ये जो पहाड़ पर्वत रहता है वहां आपको पता है कि ग्लेशियर यानी बहुत जगह हम लोग का बर्फ वगैरह भी जमा रहता है, बहुत सारा बर्फ वगैरह भी जमा हुआ रहता है ठीक है। अब देखिए ये हम लोग समझ लेते हैं कि वह सूर्य है, यहां से हम लोग की प्रकाश की कुछ तरंगें निकल रही होती है, हम लोग मान लेते हैं ये पृथ्वी का वायुमंडल रहा होगा ठीक है। अब यहां से जो ताप आई, यहां से जो हम लोग का ऊष्मा या ताप आया लघु तरंगों के रूप में, हम लोगों ने माना कि देखिए वैसे तो ताप की इकाई एक अलग इकाई होती है कि ताप को हम लोग का कितना सूर्य से आ रहा होता है उसको नापने का अलग पैमाना है, उसको हम चर्चा करेंगे तो पार्टिकल 10 वीडियो उसी में लग जाएगा, लेकिन हम लोग को उतना चर्चा में नहीं जाना है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 100 छोटी छोटी लघु तरंगें आई होंगी, कितना बाबू 100 यूनिट या 100 प्रतिशत मान लेते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं कि 100 इकाई हम लोग का यहाँ पे आई होंगी वायुमंडल में, जो हम लोग का वायुमंडल का ऊपरी लेयर है वहाँ पे 100 प्रवेश की होंगी, बात समझ में आया। एक हम लोग का मान के चला ये 100 ही नहीं प्रवेश करता, बहुत ज़्यादा प्रवेश करता है, इसका इसको नापने के लिए एक अलग इकाई होता है ठीक है, आगे जाके आपको हायर स्टडी में पढ़ना है ठीक, अगर किसी के ज्योग्राफी रहता है तो हम लोग जनरल मान के चला कि 100 इकाई यहाँ पे आई। अब इस 100 इकाई में होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए होता क्या है, ये बादलों के पास आती है, क्या होता बाबू ये बादलों के पास आती है, और बादलों से सब कुछ के लिए हम लोग इसको बड़ा सा मान के चला 100 इकाई ठीक है, ऐसे बार बार बनाने में थोड़ा मुश्किलें होंगी हम लोग के लिए ठीक। ये सपोज कीजिए कि ये हम लोग का 100 इकाई यहाँ पे आया बादल के पास ठीक है, ये बादल के पास क्या हुआ हम लोग का 100 इकाई आया, 100 इकाई ठीक है, हम लोग मान के चले जाए जब सुन 100 इकाई बादल के पास आया, जब बादल के पास 100 इकाई आता है तो बादल बोलता है ठीक है मेरे पास 100 इकाई तो आया, लेकिन बादल एक काम करता है कि इसमें से 27 इकाई को वापस परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, यानी कितना लौटा देता बाबू 27 इकाई को, 27 इकाई को, या यूं बोलिए तो 27%, अगर 100 इकाई को 100% ले लीजिएगा तो 27% ले सकता है, या इसको 100% ही बोल सकते हैं, और इसको 27% बादल वापस लौटा देता है, यानी परावर्तन के बाद बादल से ही 27% वापस अंतरिक्ष में चल जाता है ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ता है वो, अब 27 तो ऐसे ही माइनस हो चुका है 100 में से, फिर जब आगे बढ़ता है तो जो बचा हुआ है ठीक है वो क्या होता है, इसमें से जो धूल कण रहता है, ये सब धूल कण हम लोग यहाँ थोड़ा लेके आते हैं, बादल के अंदर भी धूल कण रहता है उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाने से दिखा रहे हैं। अब जो बचा हुआ है ठीक, वो जब हम लोग का बादलों के पास पहुँचता है, सॉरी धूल कण के पास पहुँचता है, तो धूल कण क्या करता है, बचा हुआ में से फिर 6% को रिफ्लेक्ट कर देता है, या यूं बोले तो 6 इकाई को फिर धूल कण द्वारा परावर्तन, धूल कण द्वारा परावर्तन 6% या 6 इकाई बोल लीजिए, बात समझ में आया। फिर ये जो होता है नीचे आता है ठीक है, फिर हम लोग क्या होता है ये नीचे आता है, जब ये नीचे आता है तो यहाँ ये सब जो बर्फ वगैरह रहता है ठीक है, यानी जो भी हम लोग का आइस रहता है पृथ्वी पे, जो भी हम लोग का पृथ्वी पे हिम रहता है, आपको पता है कि अगर हिम पे हम लोग बल्ब कुछ भी जाए तो वहाँ से चमकता जाता है, जब देखिएगा कभी बर्फीला एरिया में लाइफ में जाने का मिलन तो वहाँ देखिएगा कि पूरा क्या होता है ना, आपका आँख में इतना चमक आ जाएगा क्योंकि बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था चीज़ें ठीक है, तो यानी परावर्तन बर्फ से बहुत ज़्यादा होता है ठीक है। तो इससे क्या होता है वो यहाँ से टकराने के बाद भी, यानी जो हम लोग का बर्फ रहता है या हिम रहता है, हिम से परावर्तन के बाद क्या होता है, फिर 2% हम लोग का अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, फिर हम लोग क्या होता है वो 2% अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है हिम से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद 2% अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है ठीक है। यानी हम लोग का टोटल देखें तो कितना लौटा है बाबू वापस में, 27 बादलों से लौटा,
छः हम लोगों का धूलकर से लौटा और दो जो था हम लोगों का हिम से लौट गया, 27 और 33, 33 2 35। यानी सूर्य का जितना भी आया हो प्रकाश, सूर्य का जितना भी प्रकाश आया हो, जितना भी ऊष्मा वहाँ से आई हो, जितना भी ऊष्मा आई हो, हालांकि प्रकाश के हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ, जितनी भी ऊष्मा आई हो सूर्य से, उसका 35% वापस फिर अंतरिक्ष में ही लौट गया बिना कुछ काम किए। देखिए कुछ हुआ इससे? कुछ नहीं, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। जिस रूप में आया था उसी रूप में 35% लौट गया वापस। ये जो 35% लौट के वापस गया, इसी 35% को हम लोग अल्बिडो कह रहे होते हैं, पृथ्वी का अल्बिडो। पृथ्वी का अल्बिडो समझ में आया? यानी हम लोग मान लेते हैं कि सूर्य से हम लोग का जो वायुमंडल का ऊपरी परत है वहाँ पे 100 इकाई हम लोगों की, यानी 100% ऊष्मा आई होगी। उस ऊष्मा में से 27% बादलों से परिवर्तन होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है, 6% धूलकण से परिवर्तन के बाद अंतरिक्ष में लौट जाती है, और 2% हम लोग का हिम से परिवर्तन होकर बाद लौट जाती है। ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल हम लोग का 35% जो होता है फिर वो पुनः वापस हम लोग का अंतरिक्ष में लौट जाता है। ठीक है, ये हमारे धरातल पर पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये जो होता है हम लोग का अल्बिडो, पृथ्वी का अल्बिडो कितना होता है वो, तो 35% होता है। ये अगर मात्रा ऊपर नीचे हुआ तो ये कॉज करता है हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, अब सोचिए जनरली अगर 35% ये हट गया और ये अगर ये 33% हो जाता, 2% ज़्यादा पृथ्वी को ताप मिलता, तो डेफिनेटली ये पृथ्वी का तापमान बढ़ने वाला था। ठीक है, इस पर हम लोग ब्रीफ में चर्चा करेंगे। अभी आप ये बस समझिए कि पृथ्वी का अल्बिडो कितना है, तो पृथ्वी का अल्बिडो 35% होता है, या पृथ्वी का अल्बिडो किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से आप परिभाषा पढ़ने की कोशिश कर दीजिए, एक बार पढ़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अल्बिडो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने पदार्थ का अल्बिडो आपको समझाया था, छोड़िए रहिए, ये पृथ्वी का देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। अल्बिडो का मतलब हमने यहाँ समझा रखा है। देखिए क्या बोल रहा है, अल्बिडो क्या होता है? सूर्य से जिस रूप में ऊर्जा किसी पदार्थ के पास आती है परावर्तन के बाद, उसी रूप में वापस लौट जाती है, जिस अनुपात जिस प्रतिशत में लौटती है उसे उस पदार्थ का अल्बिडो कहा जाता है। वैसे अगर हम लोग पृथ्वी के लिए देखें तो पृथ्वी का क्या हुआ, पृथ्वी का अल्बिडो, सूर्य से जिस रूप में ऊर्जा किसी हटा दीजिएगा यहाँ पे, सूर्य से जिस रूप में ऊर्जा पृथ्वी के पास आती है परावर्तन के बाद, उसी रूप में वापस लौट जाती है, जिस अनुपात जिस प्रतिशत में लौट जाती है उसे पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं, उसे पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये ओवरऑल अल्बिडो था। देखिए जैसे डायग्राम को समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि यहाँ पे 100 इकाई में आई। ठीक है, यानी 100% आया, 27% बादलों ने लौटाया, 6% हम लोग का धूलकण ने लौटाया, 2% हमारा हिम से लौटा। यानी ये सब तो अंतरिक्ष में वापस लौट गई है, यानी कितना लौटा, 27, 36, 33, 35% यानी 35% लौट गई है। यानी पृथ्वी का अल्बिडो ऐसे भी पूछ सकता है, पृथ्वी का अल्बिडो कितना है, तो बोलेगा 35% या 35 इकाई, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर 100 इकाई मान रहे हैं तो आपको समझिए कि 100 इकाई है, प्रतिशत मान रहे हैं तो प्रतिशत है। ठीक है, ये आपका अल्बिडो का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आया? यानी 35% का ऊर्जा का जो हम लोग का है, 35% ऊर्जा यानी ताप बोलिए, ताप तो एक ऊर्जा ही है, 35% जो ताप है उसका पृथ्वी के पास वो पहुंच ही नहीं पाया। यानी पृथ्वी के पास अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कितना पहुंचना चाहिए, और पृथ्वी के बाद आप खुद सोचिए कितना पहुंचना चाहिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 100 हम लोग माने थे, 100 में से 35 माइनस कर देते हैं, यानी हम लोग कितना पहुंचना चाहिए भैया, 65% तो पहुंचना ही चाहिए, या 65 इकाई तो पृथ्वी के पास पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, सोचिए एक बार, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसको मिटाए फिर समझिए, इसको खुद एक बार दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए कि 27 बादलों ने लौटाया अंतरिक्ष में लौट के गया, 6 को धूल करने लौटाया, 2 को हम लोगों का हिम ने लौटाया, यानी टोटल ओवरऑल 35% लौटा दिया है। कुछ कुछ किताबों में डायरेक्ट लिख देता है कि पृथ्वी से 100 इकाई अगर हम लोग मान लेते हैं आ रहा है, तो वायुमंडल से 35 इकाई लौट जाता है, मतलब वायुमंडल के अंदर में कैसे लौटता है वो हमने बताया है, तो आप वो भी सही है, डायरेक्ट ऊपर ही बात कर रहा है, यानी ओवरऑल जोड़ के 35% बता रहा है। ठीक है, तो आपको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पार्टिकुलर ऐसे बादलों से 27 निकलता है, धूलकण से 6 और हिम से 2, यानी ओवरऑल हम लोग का वायुमंडल से कितना लौट रहा होता है, 35% लौट जा रहा होता है। ठीक है, चलिए अब बिटाए, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आना होगा, भैया क्या पेड़ का और इंसान का तालाब वालाब का अपना अल्बिडो नहीं होता है? देखिए तालाब वालाब तो जनरली वैसे वास्पोदर्जन में यूज कर लेता है, आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ होता सब किसी का है, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल बहुत छोटा होता है, जिसको माफ में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन होता सब किसी का है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ क्या बोला गया, सूर्य ताप से जो समान अंश वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पहुंचता है उसका 35% भाग वायुमंडल से परावर्तन होने के बाद पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है, जो हम बात बता रहे थे आपको। ठीक है, पुनः अंतरिक्ष में लौट जाने वाले ऊष्मा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, चीज़ें हम समझा दिए, बाकी आपको तो जैसे भी इसको दिमाग में रखना है रख लीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक,
अब पृथ्वी के पास ताप, पृथ्वी को ताप कितना प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग एक बार और जनरल आइडिया ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक, समझना कि पृथ्वी को ताप पहुँच के रहा है। ये हम लोग समझ रहे हैं पृथ्वी का, जो हम लोग पृथ्वी है ये आधा नीचे है, ठीक है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर हम लोग का सूर्य है, ये हम लोग का वायुमंडल है, ये हम लोग का बादल वगैरह धूल जो भी है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ओवरऑल पृथ्वी का एल्बिडो कितना है बाबू, 35%, मतलब सीधा वो जो भी आएगा 35% वापस अंतरिक्ष में लौट जाने वाला है। इस बात से आपको इनकार है, अब नहीं, अब इनकार नहीं होना चाहिए। अब ये 35% तो वापस ऑलरेडी लौट चुका है, यानी यहाँ पे आया 100 है, छोड़िए अरे हम बाहर में बना ले रहे हैं, अंदर में आप समझ चुके हैं मैं कहीं ओवरऑल क्या हो रहा है। यहाँ पे आया ये 100 है, इसमें से अंतरिक्ष में कितना लौट चुका है बाबू, 35% लौट चुका है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद जब फिर ये बादल केवल परिवर्तन ही नहीं कर, परावर्तन भी नहीं करते हैं, ये सोख भी लेते हैं कुछ ऊष्मा को, बादल और धूल कर क्या करते हैं बाबू, ऊष्मा को सोख भी लेते हैं। सोखना इन द केस ऑफ उसका ऊर्जा को लेकर खुद को गर्म करने का कोशिश करते हैं, पसंद में आया। तो वही देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, सूर्य से प्राप्त 35% भाग पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है, 14% भाग जलवाष्प बादल धूल कण तथा गैसों द्वारा सोख लिया जाता है, सोख लिया जाता है मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, 35% तो ऑलरेडी अंतरिक्ष में लौट चुका है, प्लस 14% सोख लिया गया है, 14% हम लोग क्या हुआ है, जलवाष्प बादल धूल कण तथा गैसों द्वारा सोख लिया गया है, मतलब वो 14% भी खर्च हो चुका, मतलब 35 और 14 तो हम लोग कितना हो गया, 35 प्लस 14 यानी 5 4 9 और यार कितना है आपका 3 1 4 यानी 49% उसमें तो हम लोग का अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब उससे हमें मतलब है नहीं, धरातल पे कितना पहुंच रही है बाबू, तो 100 में से माइनस कर दीजिए 49, कितना आ रही है धरातल पे, धरातल पे 51% पहुंच रही है, यानी सूर्य के पास से जितना भी ऊष्मा निकलता है उसका 51% बस हम लोग का धरातल पे पहुंच पा रहा होता है, बाकी सब क्या हो रहा होता है, 35% पृथ्वी का अल्बिडो है यानी 35% पृथ्वी से अंतरिक्ष में चल जा रहा होता है और 14% बादल जलवाष्प और धूल कण जो रहते हैं और गैसें रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सोख लेते हैं अपने अंदर, उसको समाहित कर लेते हैं, बात समझ में आई। तो पृथ्वी बाद ओवरऑल पृथ्वी के धरातल पर कितना आ रही है हम लोग का, इसका 51% बस आती है पृथ्वी का कुल ताप, पृथ्वी पर कुल सूर्य का कुल ताप का 51% आ रहा होता है, यानी जितना भी हम लोग का वायुमंडल प्रवेश कर रहा होता है उसका 51% ही पहुंच पाता है, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया अगर मान लीजिए कि एक दिन में, मतलब एक दिन का ही हमारा डाटा कैलकुलेट करें तो एक दिन में इसका 51% आ रहा है, 51% भी फिर भी बहुत बड़ा बात होता है, अगर ये डेली आते जाए तो क्या हम लोग का पृथ्वी बहुत गर्म नहीं हो जाएगा, लाजिम क्वेश्चन आप खुद सोचिए ना कि अगर डेली 51% आने लगे, डेली आ रहा है, पर डे 51% आ रहा है, अगर इसका पृथ्वी से आ रहा है डेली डालिए कितना गर्म होगा, ये कितना ऊष्मा को ग्रहण करेगा, आग नहीं बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि जो 51% पृथ्वी के पास आ रहा है पृथ्वी उसका करता क्या है, पृथ्वी उसका करता क्या है, ये तो हालांकि हम लोग ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग पृथ्वी का बजट, ऊष्मा बजट कहते हैं। अभी बजट क्या होता है वहाँ पर भी फिर हम एक बार समझाएंगे, फिर उसके बजट पर हम लोग जाएंगे। जनरल आपको आइडिया मिला पृथ्वी का एल्बिडो क्या है, पृथ्वी का एल्बिडो वो है कि सूर्य का प्रकाश जिस रूप में पृथ्वी के पास आता है या पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश करता है उसी रूप में पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है, ठीक है, जैसे बादलों से टकरा के लौट जा रहा था। तो कितना लौट रहा था वो, ओवरऑल 35% लौट जा रहा था। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी के धरातल के पास कितना परसेंट हम लोग का जो भी वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है उसका कितना परसेंट पहुंचता है, तो कितना परसेंट पहुंचता है वो, 51%, क्योंकि 35% एल्बिडो है पृथ्वी का, 35% तो लौट जाने वाला है, बचा 14% क्या होता है, 14% हम लोग का एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, बादलों द्वारा, जलवाष्प द्वारा, धूल कण द्वारा और गैसों द्वारा, यानी ओवरऑल हम लोग का पृथ्वी के पास कितना पहुंच रहा होता है, 51% पहुंच रहा होता है, 51% पहुंच रहा होता है, ठीक है। अब ये 51% जो प्राप्त ताप हुआ है पृथ्वी को, ये पृथ्वी करता क्या है, इसका पृथ्वी इसका करता क्या है, यही जानना हमारा नेक्स्ट वीडियो का पर्पस होने वाला है। इसी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि जो 51% आया है इसका पृथ्वी का जो धरातल है वो करता क्या है, खाना बनाता है कि लेकर किसी और को देता है, क्या करता है वो देखना होगा, जो क्या पार्ट मतलब ओवरऑल इसी, ये जो 51% है इसका यूज किस तरह, किस रूप में पृथ्वी का धरातल कर रहा होता है उसी को हम लोग ऊष्मा बजट कहते हैं पृथ्वी का, वही हमें ऊष्मा बजट को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन जाके ये जो PDF हमने पढ़ा है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से हेल्प कर लेकर नोट्स बना सकते हैं या वीडियो देख के डायरी बना सकते हैं, जैसे भी एक नोट्स इसका प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 9 नंबर वीडियो में ये वाला देखने वाले हैं 51% का पृथ्वी कर क्या रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।